5 साल का बबलू जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, अब वो स्कूल जाते हुए रोज बहुत रोता है और मम्मी को बार बार रोज रोज यही बोलता है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है स्कूल। लेकिन मम्मी किसी न किसी तरीके से उसको स्कूल भेज ही देती है। अब एक दिन बबलू की मम्मी आती है और बबलू को उठाना शुरू करती है, लेकिन बबलू बिल्कुल नहीं उठता। अब उसे पता तो चल जाता है कि मम्मी मुझे उठा तो रही है, लेकिन बबलू फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलता। और इसी को देखते हुए बबलू की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ती है और सीधे ले जाती है बाथरूम में और जल्दी जल्दी से उसको नहला कर लेकर आती है, रेडी करती है और तैयार करती हैं और पापा के साथ भेज देती हैं स्कूल। और पापा उसे जल्दी जल्दी से स्कूल लेकर जाते हैं और छोड़ आते हैं। अब क्लास में बबलू बैठा हुआ है गुस्से में क्योंकि उसे मम्मा ने बहुत ज़बरदस्ती स्कूल भेजा है। अब मैम क्लास में आती हैं और बोलती हैं, बच्चों क्या आप सबको पता है आप सबकी कल से छुट्टियाँ पड़ रही हैं? और बबलू तो बहुत खुश होगा। और बबलू जैसे ही ये बात सुनता है वो खुशी का मारे खड़ा हो जाता है और मैम को बोलता है, मैम मैम का सच्ची में छुट्टी पड़ रही है, सच्ची में पड़ रही है। और मैम बोलती है, हाँ बबलू बेटा सच में पड़ रही है कल से छुट्टियाँ। अब मैम बच्चों को बताती है, पर तुम्हें पता है छुट्टियाँ क्यों पड़ रही है? और बच्चे बोलते हैं, नहीं मैम हमको नहीं पता क्यों पड़ रही है। तो मैम बोलती हैं, बेटा क्योंकि हमारे देश में कोरोना नाम का वायरस यानी कि एक बीमारी फैलती जा रही है और वो बीमारी छूने से भी फैलती है, तो आप सबको घर में रहना है और सुरक्षित रहना है, इसलिए आप लोगों की छुट्टी की जा रही है ताकि आप लोगों को ये बीमारी ना फैले। अब जैसे ही छुट्टी होती है बबलू घर में पहुंचता है, अपना बैग उतारता है, रखता है और मम्मी के पास भागा हुआ, मम्मी मम्मी आपको पता है मेरी छुट्टियाँ पड़ गई और मुझे कल से स्कूल नहीं जाना, बहुत मजा आएगा ये। और बबलू की मम्मी बोलती है, हाँ हाँ पता है मुझे, ज़्यादा खुश मत हो, पढ़ना भी है तुम्हें। और बबलू बोलता है, ठीक है पढ़ लूँगा। और उसके बाद बबलू जाता है, कपड़े चेंज करता है, खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अब क्योंकि बबलू को खेलना बहुत पसंद है तो जैसे ही वो शाम को उठता है फटाफट से कपड़े पहनता है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बबलू की मम्मी बोलती है, कहीं नहीं जाना। और बबलू बोलता है, मम्मी मम्मी मेरे को खेलने जाना है, मैं पार्क में जाकर खेलूंगा। और मम्मी बोलती है, बेटा आपको पार्क में नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता है ना बहुत बीमारी फैल रही है। अब बबलू क्या बोलता है, मतलब छुट्टियां पली तो कोई फायदा नहीं हुआ, देखो तो जरा क्या हो रहा है। अब बबलू जो है वो रोज यही कर रहा है, रोज सुबह उठता है शाम को उठता है और बाहर जाने के लिए जिद करता है, रोता है बहुत रोता है और मम्मी पापा को बहुत परेशान कर रहा है। अब मम्मी पापा उसे रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से समझाते हैं और घर में रखते हैं। अब एक दिन बबलू के पापा की तबीयत खराब हो जाती है तो बबलू की मम्मी जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है और उनको घर बुलाती हैं। अब जब डॉक्टर घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पापा को तो कोरोना हो गया है। तो बबलू बोलता है, हाँ डॉक्टर साहब मैम ने हमको बोला था कोरोना बीमारी फैल रही है और वो जो बीमारी है वो छूने से भी फैलती, तो पापा को भी छूने से फैली है। तो डॉक्टर अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा और आप सबको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों को अच्छे से 1 मिनट तक धोते रहें और जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन कर निकले, बिना मास्क बाहर ना निकले और लोगों से दूरी बनाए रखे और बीमार लोगों से दूर रहे। तो बबलू बोलता है, हाँ डॉक्टर अंकल पापा को आप हॉस्पिटल तो लेकर जा रहे हो लेकिन कब तक ठीक होएंगे, पापा कब तक घर आ जाएंगे, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर अंकल? तो डॉक्टर अंकल बोलते हैं, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, आपके पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और घर में वापस आ जाएंगे, आप डरना नहीं और आपके पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे।
तो बबलू कहता है, हाँ अंकल आप पापा को जल्दी से ठीक करके भेज देना, मुझे पापा की बहुत याद आएगी। तो डॉक्टर अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा चिंता मत करो, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर पापा को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और बबलू अब घर में मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करता, वो मम्मी की सारी बातें मानता है और घर में ही मम्मी के साथ खेलता है, टीवी देखता है और अब तो वो पढ़ाई भी करने लग गया है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद बबलू के पापा एकदम ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं और बबलू बहुत खुश होता है। और बबलू हमेशा ध्यान रखता है कि पापा जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले, और ध्यान रखता है कि जब भी पापा बाहर से घर आए तो वो पापा को सैनिटाइजर या हाथों को धोने के लिए भेजता है सबसे पहले। तो आप सबको ये बात समझ में आई कि कोरोना में आप लोगों को कैसे बचना है। इससे हमें डरना नहीं है, इससे बचना है, क्योंकि हमारे पास इससे बचने के उपाय हैं। जगह जगह बस एक ही बात, कोरोना कोरोना, स्कूल है बहुत मुश्किल है सब कुछ, करो ना करो ना, डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना, डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना, हाथ को सोप से धोए धोए, डरो ना डरो ना, मुंह को ढककर खांसे छींके, डरो ना डरो ना, भीड़ से हम दूर रहे रहे, डरो ना डरो ना, में मस्ती करे करे, डरो ना डरो ना, डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना, डरो ना डरो ना, कोरोना से डरो ना डरो ना, हम कहे सलाम नमस्ते, डरो ना डरो ना, हाथ न मिलाओ कुछ हफ्ते, डरो ना डरो ना, ट्रेन प्लेन या हो बस, डरो ना डरो ना, थोड़े दिन ना करो सफर, डरो ना, डरो ना, डरो ना, डरो ना। हाथों में जो जर्म्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देते, और कोरोना भी इनमें से एक ऐसा ही जर्म है, एक ऐसा ही वायरस है जो इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके लिए मैंने आप एक वीडियो शेयर करी है यूट्यूब में, जिसमें हमने ये दिखाया है कि आपके हाथों में जब सैनिटाइजर या साबुन लगता है तो उससे जर्म्स कैसे दूर भाग जाते हैं। आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने काली मिर्च के द्वारा ये समझाया है कि जर्म्स हमारे हाथों से किस तरीके से दूर रहते हैं। तो आप सबसे बहुत जल्द फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।